नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका जोरदार हार्दिक स्वागत है। भाइयों, अभी हमारी जीके चल रही है, लेकिन आज हम कुछ इतना महत्वपूर्ण लेकर आए हैं कि हमें जीके की वीडियो एक रोकनी पड़ी। तो कुछ भाई कमेंट करेंगे कि जीके की आपने एक वीडियो डाली और उसके बाद रोक दिया है, तो वो मजबूरी हो गई है हमारी कि ये जो टॉपिक है जो आज हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्या महत्वपूर्ण है, तो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ को तब भी समझ में नहीं आया होगा। तो पहले तो मैं जीके जो मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, अभी दो वीडियो और आनी है जीके की, लगातार आनी थी, लेकिन फिर ब्रेक दे रहे उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। लेकिन मजबूरी ये है मेरी कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के कारण मैं इसमें अभी रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे जो कन्फ्यूज हैं उनका कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए आपका। देखिए, ये एक दिन की रणनीति नहीं हो सकती सर, एक दिन में आपको पूरा नहीं समझाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बताने में और प्रैक्टिकली दिखाने में बहुत अंतर होता है। तो आज हम आपको जो रणनीति बताएंगे उसको सिद्ध करके दिखाएंगे सर, हम ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि भाई आपको करना क्या है। तो बहुत सारे भाइयों के, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे भाइयों के विचार बदल जाएंगे सर, पढ़ाई के प्रति, तैयारी के सिस्टम के प्रति सर। तो ध्यान से देखना, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपको इसमें से एक भी पॉइंट अच्छा मिल गया पूरी वीडियो में, तो आपका पूरी वीडियो देखना सार्थक हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि क्या आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे पढ़ाई में। ध्यान रखना, मैं बार बार एक चीज़ पर फोकस करता हूँ कि आपको जो पढ़ना है वो ज़्यादा नहीं पढ़ना, अच्छा पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या कारण होते हैं, वो सब चीज़ों पर हम फोकस करेंगे इस पूरी मतलब रणनीति पर। हमारी दो वीडियो आएंगी, कम से कम तीन, से तीन भी आ सकती हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक रणनीति का, क्योंकि हमें सिस्टम से आपको उदाहरण सहित समझाना आ सकता है। तो पहली चीज सर, देखिए सर, देखिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज छोड़नी है। अब बहुत से कहेंगे जी ये जो मैं सब बोल रहा हूँ छोड़ना है, इस पर बहुत सारे भाई कन्फ्यूज हैं, वो भी बताएंगे क्यों है, क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो अगली वीडियो का हमारा मैटर रहेगा। लेकिन छोड़ना भी है सर आपको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़नी पड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगे तो फंस जाओगे सर। अगली वीडियो में मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, अभी मैं पहले उस चीज़ को छोड़ता हूँ, जब छोड़ना ही सिखाऊंगा तो अभी हम शुरुआत में छोड़ देते हैं। आज आपको पहले हम दिखाते हैं कि आपके मन में जो शंका है उसका निवारण कैसे। देखिए, सिलेबस सभी को पता है कि भैया इसमें जीके कितने की है, 50 नंबर की है। कंप्यूटर कितने का है, 10 नंबर का है। रीजनिंग कितने की है, 25 नंबर की है। और मैथमेटिक कितने का है, 15 नंबर का। ये सभी को सिलेबस पता है। अब जो भाई अभी तक सिलेबस नहीं जान रहे, तो इसका मतलब यार वो तो बहुत पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब फॉर्म डाल दिया आपने हैं या डालने वाले हैं तो पहले सिलेबस तो मालूम होना चाहिए। आ जाते हैं सर, इसको करने के लिए हमारे पास टाइम कितना है, बोलिए भाई। 90 मिनट, ठीक है, 90 मिनट है। जो भाई मेरे यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, वो जानते हैं कि इस 90 मिनट को मैं 75 मिनट देकर चलता हूँ उनको। हम 75 मिनट में आदत डलवाते हैं बच्चों से कि आप 75 मिनट में हमारा पूरा टेस्ट पेपर कीजिए 100 नंबर का, ठीक है। पिछला जो पेपर हुआ 2017 में हुआ था दिल्ली पुलिस का, तो 2017 के पेपर में भी 100 सवाल थे, 90 मिनट थे। लेकिन याद रखना सर, वहां पर ये 10 नहीं थे, यहां पर 35 थे। ये टाइम बचाने वाला सवाल मिल गया आपको, क्योंकि देखिए सर, आप इतना तो हर कोई जानता है कि जीके जो होता है उसमें टाइम बचता है, रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा टाइम लेते हैं सर। अभी कहेंगे क्यों लेते हैं, हमें रीजनिंग और मैथ पर टाइम देना भी चाहिए सर। अभी आते हैं सर, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे हम, 90 मिनट है हमारे पास। तो पहले बात करते हैं हम जीके की सर। देखिए, जीके में आपके जितने भी है 50 के 50 पढ़ने तो पड़ेंगे ना पूरे,
ऐसा तो है नहीं। मान लिया कोई कहे जी मैं तो 40 सवाल करूंगा 45 करूंगा, तो 5 सवाल अरे यार छोड़ोगे तो तब जब पहले पढ़ चुके होगे। तो अपने मतलब दिमाग में ये मत रखना कि मैं जीके में 45 कर रहा हूं तो 45 मिनट की कैलकुलेट करके चलो मैं, अब 50 कर रहे हो तो 50 की कैलकुलेशन करके चलिए। सर देखिए नॉर्मल कंडीशन में बताते हैं हम आपको, नॉर्मल कंडीशन में जीके के एक मिनट में 2.5 सवाल बनते हैं सर, 2 मिनट में 5 सवाल आराम से करता बंदा। लेकिन वो तब है जब आप ऐसा पेपर कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं और समय बहुत कम है, वहां पर करना होता है इसको, यहां पर इसको मत अप्लाई करना। यहां पर हम जो टाइम देकर चलते हैं आपको, एक मिनट में 2 सवाल का टाइम देकर चलते हैं सर जीके में। अब ये कहेंगे जी इतना टाइम क्यों दे रहे हैं सर, यार हम दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए सर, आपको जो है बस ध्यान से सुने जाइए कि क्यों देना है उसको, मैं सारी चीजों को एक एक सिद्ध करके बताऊंगा सर। बहुत सारे यहां पर हम 30 मिनट जीके में दे रहे हैं, बहुत से कहते हैं जी हम तो मैथ को ही 5 सेकंड में करने वाले हैं, और उन 5 सेकंड वालों का क्या हाल होता उस पर भी आते हैं सर। तो आपने जीके में 50 सवाल के लिए 25 मिनट दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर, कंप्यूटर भी जीके ही है सर, 10 सवाल के लिए 5 मिनट, छोड़िए यार ज्यादा ले लें, ओके 8 मिनट दे दिए सर। रीजनिंग पर आ जाते हैं सर, देखिए अगर आप रीजनिंग की बात करते हैं सर, तो रीजनिंग में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ सवाल टाइम कंज्यूमिंग होते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आपसे पासे का सवाल आ गया, डाइस यानी पासा पूछ रहा है, आप उसको देखते ही बता सकते हैं। आपसे अगर संबंध सादृश्यता वाला आ गया तो आप उसको देखकर ही बता सकते हैं सर, अगर नंबर वाला नहीं है तो ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आ गया, बहुत सारे सवाल इजी हो जाते हैं सर, कुछ सवाल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रीजनिंग में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें एक मिनट से ज़्यादा लगे, कोई सवाल नहीं होता। लेकिन याद रखना हम एक मिनट से ज़्यादा का कोई सवाल नहीं होता, लेकिन बहुत सारे सवाल होते हैं जो 25 से 20, 25 या 30 सेकंड में आराम से हो जाते हैं। तो इसीलिए रीजनिंग में अगर आप चाहें तो 25 सवाल 20 मिनट में बड़े आराम से हो जाते हैं। नहीं नहीं चलेगा कोई बात नहीं, कहेंगे बहुत सारे भाई देखिए मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आप कहेंगे जी आपको क्या हमारी बात सुन रही है, यार दिल मिले हुए हैं भाई, मैं बच्चों के बारे में जानता हूँ कि क्या सोचते हैं। बहुत सारे कहेंगे 20 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कहेंगे 20 मिनट ठीक है, ज़्यादातर 20 मिनट ठीक बताएंगे, लेकिन बहुत से कहेंगे जी कम है तो 22 मिनट कर लेते हैं। क्या ऐसे 10 सवाल नहीं मिलेंगे जो देखते ही हो जाएं? यार रीजनिंग में तो होते हैं सर, आप किस पिछला कोई भी पेपर उठाइए ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं सर, कितना टाइम हो गया 30 और 25 55 मिनट, ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, कुछ के दिमाग का फ्यूज उड़ने वाला है। 55 मिनट टाइम है, 90 मिनट, 55 में अभी हम 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो कि जरूरत नहीं है, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। 65 मिनट, यहां पर टाइम है 90 मिनट, 25 मिनट बचे हुए हैं। अब आप ये सोचिए जो कह रहे हैं कि मुझे मैथ 10 सेकंड में करना है 15 सेकंड में करना है, और उस 10-15 सेकंड के चक्कर में वो मैथ का, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ एक सवाल ऐसा गलत कर गए जिसको वो कर सकते थे, और उसी एक सवाल ने उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया, तो उस जो उसने टाइम बचाया, अभी उसके पास 65 मिनट हो गए, उसके पास 25 मिनट हैं, 15 सवाल को 15 ही मिनट में करे, 20 में करे, हालांकि नहीं होता सर, अभी मैं सिद्ध करूंगा उसको भी, लेकिन 15 सवाल को अगर वो 15 मिनट में करता है तो भी उसके पास 10 मिनट का टाइम बचता है, 10 मिनट में वो दोबारा से पूरी चीजों को एक साथ आराम से देख सकता है। अगर इस टाइम को बचाने के चक्कर में आपने यहां पर 4-5 मिनट बचा लिए, और आपका एक सवाल गलत होगा, ध्यान से सुनना, 5 मिनट बचाने के चक्कर में आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया और उस क्वेश्चन ने आपको कंपटीशन से बाहर कर दिया, तो क्या आप अगली बार एसएससी से कहोगे जी मेरे पिछली बार के 5 मिनट दे दो मुझे, इस बार मैं उसको भी यूटिलाइज करूंगा, दे देगा क्या? सोच लीजिए भाई, कहां ले जाओगे इस टाइम को बचाकर, क्या करना है भाई, कुछ नहीं हो रहा,
टाइम बहुत है, टाइम बहुत से भी ज्यादा है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस टेस्ट जो है वो स्पीड का टेस्ट नहीं है, एक्यूरेसी का टेस्ट है। क्यों है उस पर भी आएंगे, पहले ये समझिए। मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है, अगर यकीन नहीं है, अगर यकीन नहीं है तो एक काम करो दोस्तों, पिछले कोई पेपर उठाइए, छोड़िए कोई भी बाजार का मॉडल पेपर उठाइए और उसमें टाइम बाउंड करके देखिए। अभी तक आपने बहुत तरीके से टाइम किया, सवाल किए होंगे, लेकिन एक काम करिए, 50 क्वेश्चन जीके के, मेरे कहने से 50 क्वेश्चन जो जीके के हैं उनके लिए टाइम भर कर चीज चेक कीजिए कि आप उनको कितने टाइम में कर देते हैं। अगर जीके में एक क्वेश्चन आ गया, कोई भी एक सवाल आ गया, मान लिया आपसे पूछा गया कि अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है, सवाल आया कि अगर भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके पद को उपराष्ट्रपति संभालता है, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो उसके पद को कौन संभालेगा। अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए और ऑप्शन में दे दिया प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सीजेआई यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं, भैया जी इस सवाल पर अगर आप जानते हैं, पढ़ने में जो टाइम लगेगा फिर टिक करने में वही टाइम यूज होना है। अगर नहीं जानते तो आप इस सवाल को 10 मिनट तक पढ़े जाओ, 10 बार पढ़िए, आप नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्का है ना। तो जीके में कितना टाइम लगता है, जितना सवाल को पढ़ने में टाइम लग रहा वो प्लस 5 से 10 सेकंड सोचने के। अब आप सोच सकते हैं कि जीके की लैंग्वेज क्या होती है, एक दो सवाल होते हैं जिनकी लैंग्वेज लंबी होती है, लेकिन बहुत सारे सवाल, जैसे पिछली बार भी पूछा गया कि धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, अगर आप जानते हैं 110 में है, धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में दिया गया है तो आप तुरंत बता देंगे। आज पिछली बार यह भी पूछा गया कि भाई भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, आप अहमदाबाद जानते हैं तो आप बता देंगे। अब इसमें पढ़ने में और एग्जाम मतलब ऑप्शन ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, मुझ पर यकीन मत कीजिए, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो अपनी दुकान चलानी है, यकीन मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, 50 क्वेश्चन उठाइए जीके के किसी भी पुराने पेपर में से, एसएससी के किसी भी पेपर में से, या फिर कोई भी मॉडल पेपर जो आपके पास है उनको करके देखिए। गलत सही मत बाद की बात है, पहले ये देखिए कि इसमें टाइम कितना रहा। अगर आपको 25 मिनट टाइम लग रहा है 50 क्वेश्चन में तो आप बहुत सही जा रहे हैं सर। अगर आप 23 मिनट कर रहे हैं तो बहुत सही जा रहे हैं, आप 27 मिनट कर रहे हैं तो भी बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 25 सवालों को 18 मिनट में कर रहे हैं तो आप गलत जा रहे हैं। आप कहेंगे जी इसमें क्या गलत हुआ, टाइम तो बचा रहे हैं, मैं फिर वही कहता हूँ, टाइम बचा कर करोगे क्या। अगर इस टाइम को बचाने के चक्कर में एक सवाल गलत हो गया, एसएससी पूछेगी, ट्राई कर लेना भाई, मेरे ऑफलाइन बच्चे तो जानते हैं, आप ट्राई कर लेना, एसएससी की जगह मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, ये बताइए कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है। हो गया सवाल, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने 35 वर्ष दिया है, गलत आंसर है, अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। मैंने सवाल दो बार बोला सर, न्यूनतम नहीं पूछा, अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम एज लिमिट पूछी है सर। और एसएससी भी अगर इसी सवाल को करेगा तो अगर आप 25 की जगह 23 कर दो ठीक है, लेकिन अगर आप 18 मिनट में करेंगे तो ऐसे 2 या 3 सवाल गलत कर दोगे जिसमें आप अधिकतम और न्यूनतम जैसा अंतर भी नहीं पढ़ पाओगे, समझ में आ गया। और वही 2-3 सवाल आपको लाइन से बाहर कर देंगे, आप कंपटीशन में कहीं नहीं ठहरोगे। इसलिए फिर से कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस का टेस्ट एक्यूरेसी का टेस्ट है, एक्यूरेसी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पीड तो अपने आप मेंटेन हो ही रही है सर, समझ में आ गया। स्पीड बना ली आपने, 90 मिनट के क्वेश्चन पेपर को 70 मिनट में सोल्व कर दिया, कोई शाबाशी नहीं मिलेगी, शाबाशी तब है कि आपने 89 मिनट में किया लेकिन सिलेक्शन ले गए। अगर गलत कह रहा हूं तो आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे मत देखिए, टाइम क्यों खराब कर रहे हो, अगर सही लग रहा तो आगे देखिए सर।
ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई होगी आपको कि आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन अभी भी कुछ के दिमाग में सवाल कौंद रहे होंगे, नहीं यार हमें तो मैथ में शॉर्टकट ही करना है। आ जाते हैं अभी सभी चीजों से के बारे में हम बता कर चलेंगे। देखिए मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आज की पढ़ाई भी कराऊंगा सर, इसी वीडियो में आपकी पढ़ाई भी होगी और सिद्ध करके लाइव भी दिखाऊंगा सर, लास्ट तक बने तो रहिए बस एक बार। तो मैंने क्या बताया अभी, अभी तक हमने बताया कि जीके रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर सारे का टाइमिंग कैसे करना है, पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, वो नेक्स्ट मैटर है सर। आपको नेगेटिव मार्किंग में कुछ सवाल करने हैं या नहीं करने, वो भी बाद का मैटर है सर, अभी हम बस पहले टाइमिंग की बात कर रहे हैं सर। देखिए जो छात्र होते हैं, जो कंपटीशन में नए नए आते हैं या पहली बार कंपटीशन में घुस रहे हैं, तो उन्हें वो बहुत अति उत्साहित होते हैं सर, और जैसे भी उनके सामने किसी ने कुछ भी बोल दिया वो उनको ठीक लगने लगता है सर। तो भैया पहली बात तो ये है कि हर चीज को तर्क पर तोलिए, हर चीज को तोलिए तर्क पर, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कुछ कह रहा उसी पर विश्वास कर लीजिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए कि क्या ये गलत है तो नहीं है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको उसमें देखिए सर। जैसे अभी मान लीजिए टेस्ट के बारे में मैं कह रहा हूं तो मेरे पर विश्वास मत कीजिए सर, पुराने पेपर उठाकर देखिए। अभी एक उदाहरण बताता हूं, हमारे एक स्टूडेंट थे, अभी की बताए दो तीन दिन पहले की ही बात है, हमारे एक स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और किसी के बारे में कहते हैं कि भैया वो टीचर दावा कर रहा है कि उसके यहाँ से 20 से 30,000 या 25-30,000 लोगों को वो सरकारी नौकरी लगा चुका है। तो भाई हो सकता है, ठीक है, किसी के बारे में कहा, ना तो मैं टीचर का नाम लूँगा ना कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ तर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक। मैंने उससे सिर्फ एक बात पूछी उस छात्र से, उसे लगा कि वास्तव में होगा सर, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ 20 से 30,000 वो दावा कर रहा है कि मैं 20 से 30,000 नौकरी दे चुका हूँ। तो मैंने उससे कहा कि भाई उसके पास कितने स्टूडेंट होते हैं हर समय, जब उसके पास बैच चलते हैं तो कितने स्टूडेंट होते हैं, मुझे नहीं पता भाई। तो स्टूडेंट ने बताया लगभग 800 से 1,000 छात्र होते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 10-11 साल हो गए हैं कोचिंग को चलते हुए, तो जब 10-11 साल पहले उसने कोचिंग स्टार्ट की होगी तो उस समय इतने छात्र नहीं होंगे, ये आप सभी जानते हैं, जब कोई भी नया आता किसी फील्ड में तो उसके पास भीड़ इकट्ठा नहीं होती, चलो फिर भी मान लिया हमने। अब उसके पास 800 से 1,000 छात्र, 1,000 मान लेते हैं, उसके पास हर समय 1,000 छात्र हैं सर, 11 साल हो गए, और एक एवरेज जो होता है सर सरकारी नौकरी मिलने में लगभग 1 साल का टाइम लग ही जाता है, ये जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं, फॉर्म भरेंगे, टेस्ट देंगे, उसके बाद वो कंटिन्यूटी बनी रहती है सर, ठीक है। अब उसके पास 11 साल में लगभग 10 से 11 हज़ार छात्र, जैसा कि उसने बताया उसने पढ़ाए, और 10-11 हज़ार छात्र पढ़ाकर 20 से 30 हज़ार का वो सिलेक्शन दे चुका है, कितने आश्चर्य की बात है, चमत्कारी है, भगवान से ऊपर है सर वो। 10 से 11 हज़ार छात्र ज़्यादा से ज़्यादा उसके कहने के अनुसार उसने पढ़ाए होंगे और उनमें से 20-30 हज़ार का वो सिलेक्शन करवा चुका है। अब सोचिए विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम और की बात नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ को थोड़ा तर्क पर तोलना शुरू कर दीजिए सर, सोचिए थोड़ा सा, कहीं आप बहकावे में तो नहीं आ रहे, कहीं आप ऐसे जो लोक लुभावन वादे होते हैं, बहकावे होते हैं, उनमें तो नहीं आ रहे हैं सर, ओके। अब आ जाते हैं दूसरी चीज पर सर, कि भैया जी सवाल आपने कहा कि भाई आप 15 मिनट हैं मैथ के, 15 क्वेश्चन है तो 12-13 मिनट 15 मिनट में करिए, इतना टाइम आपको मिलेगा। लेकिन अब हकीकत पर आते हैं सर, दिल्ली पुलिस में के लिए जब भी SSC टेस्ट लेती है तो उसका कोई भी सवाल इतना बड़ा नहीं होता कि जो 30 से 40 सेकंड या उससे ज़्यादा का टाइम ले, तो अगर 40 सेकंड भी लगाते तो आप 8 मिनट में कर पाओगे, 9 मिनट में कर पाओगे, 10 मिनट में कर पाओगे, 11 मिनट में करोगे, 15 मिनट में करोगे, ठीक है। एक दो सवाल पर 40 सेकंड, एक दो सवाल देखते ही हो जाएंगे सर, फिर उसका टाइम कहाँ कम पड़ रहा सर, नहीं पड़ रहा, ओके। विश्वास मत करो, झूठ बोल रहा हूँ मैं यार, आइए ये जो मैं पेपर आपके सामने ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई भी कराऊंगा आपको, सिद्ध भी करूंगा,
ये पेपर आपका दिसंबर 2017 शायद 5 दिसंबर को हुआ था, 5 दिसंबर 2017 पहली शिफ्ट का पेपर है, मैथ के सवाल। और मैंने याद रखना लैंग्वेज भी चेंज नहीं की है क्योंकि मुझे सिद्ध करना था। मैंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, अगर मैं ऑप्शन रखूंगा तो टफ रखूंगा। मेरे स्टूडेंट जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब जानते हैं कि मैं कैसे ऑप्शन सेट करता हूं। अगर बच्चे ने हल्का सा भी गलत सोच लिया तो उसको चारों ऑप्शन मिलवा देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस बार चेंज नहीं किए हैं सर। तो 5 दिसंबर 2017 किसी भी किताब में से उठाकर देख लेना, नेट पर सर्च मार लेना, यही सवाल मिलेंगे सर। पहली शिफ्ट का पेपर है। अब देखिए सर, पहला सवाल आया 0.0625 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब इतना तो हर कोई जानता है कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो चार अक्षर के यानी चार अंकों के दो अंक रह जाते हैं, तो दो अंक छोड़ के दशमलव लगेगी, तो सिर्फ यही आंसर है। और 625 का वर्गमूल 25 होता है। ये तो मुझवानी का ही है सर, ये तो फ्री के नंबर है सर। ओके सर, दूसरे पर आते हैं सर। मैं आगे आगे सवालों में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। इसमें कहा 1+2+3+4+20 7 सात से भाग देना है सर। अब इसको तो हर कोई कर लेता है कि भैया 20×21/2 और फिर जितना आए उसमें 7 से और भाग देना है। ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, आंसर आ गया 30। इसमें टाइम लगेगा क्या? कैलकुलेशन है, हर कोई ऐसे ही कराता है। आपको ये देखना है कि जिस ट्रिक को आप रट रहे हैं बहुत दिनों से, वो 15 क्वेश्चन में कहां पर लगी है, जिसके पीछे आपने जीके छोड़ दी, जिसके पीछे आपने रीजनिंग छोड़ दी, वो 15 क्वेश्चन में कहां पर काम आ रही है, सोच कर देखना सर। और यही नहीं, आप कोई भी पेपर उठाकर देखना। आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? क्या है सर? सिंपल सरलीकरण, सिंपल सरलीकरण है सर। लेकिन 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 ध्यान से देखना सर, एक बात और सर, जिनका मैथ अच्छा है वो तो सवालों को कह रहे होंगे यार इतना लड्डू आता है, उनका तो दिल आज गार्डन गार्डन हो जाएगा। वो तो कहेंगे कि यार ठीक है, हम तो अपने को मीडियम समझते थे, हमारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जिनका मैथ कमजोर है वो भी देख लेना सर, उनको भी बहुत कुछ मिलने वाला है इन्हीं 15 सवालों में। 15 के 15 सवाल दिखाऊंगा, 15 सवालों में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? इससे बड़ा बताना है सर, हमें बड़ा बताना है सर, ध्यान से सुनना। अब आइए, 1/2, 3/7, 4/7, 6/7, ठीक है, क्योंकि बड़ा पूछ रहा है तो इसका मतलब इन तीनों में देखिए 7/7 है, 3/7, 4/7, 6/7, यानी ये तो बड़े हो ही नहीं सकते, या तो ये बड़ा है या ये बड़ा, क्योंकि ये इन दोनों से तो बड़ा है, क्योंकि भिन्न भिन्न जो है मतलब भिन्न में अगर हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी होती है। लेकिन इसमें और इसमें हमें नहीं पता सर, तो यानी कि दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए सर देखते ही। देखिए बात सवाल करने की नहीं है, बात सवाल के तरीके को पकड़ने की है। दो ऑप्शन तो आपने देखते ही अलग कर दिए सर, तो बच क्या गया? चलो ठीक है, आपसे आता तो ठीक है, वरना तो 2/3 का मतलब है 0.6666 या 0.66 या 67 भी मान सकते हो। और इसका मतलब है 1/2 का मतलब है आधा, ये आधा है, 50 है, ये 66 है, यानी ये भी नहीं है, तो यही तो बच गया। और भैया जो हमने आपको बताया था कि आरोही अवरोही क्रम में, उसमें भी एक नियम बताया था, अगर अंश और हर का अंतर बराबर है, वहां भी एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर, तो जिस वहां भी एक का अंतर है, यहां भी एक का अंतर है, अगर अंश और हर का अंतर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी, एक बनाई थी। लेकिन फिर भी अगर आप कभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मान लिया आपसे पूछ रहा है 31/33, 27/29 और एक ले लेते हैं हम 39/41 और एक ले लेते हैं हम 55/57। अगर ऐसा पूछा जाए कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमने बताया था इस दोनों का अंतर दो, अंतर दो, दो, दो। अगर सभी अंश और हर का अंतर बराबर है तो जिसमें बड़े अंकों का प्रयोग हुआ है, बड़ी संख्याओं का प्रयोग हुआ है, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है, सबसे बड़ी संख्या, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर आपको ये नियम याद हो तो देखते ही बता दोगे, वरना दो ऑप्शन तो पहले ही देखकर क्लियर कर गए सर। यानी कि अगर आप नहीं भी जानते मैथ, तरीके भी नहीं जानते, तो ऐसे बहुत सारे सवाल मिलते हैं जिनको आप ऑप्शन पर ध्यान दें तो सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर।
दो तीन चार तथा छह से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल देने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? चार अंकों की बतानी है, सबसे छोटी बतानी है, तो नजदीक के दे रखे हैं उसमें कोई बड़े मैटर नहीं है। किससे काटना? दो तीन चार छह, दो तीन चार छह का लेस क्या होता है? बारह, यानी बारह से काटने पर एक शेष बचे, ऐसी संख्या ढूंढनी है सर। बारह से काटने पर एक शेष बचे। अब बारह से कौन सी कटती है? इनमें से 1008 कटती है भाई, 1008 कट जाती है, लेकिन हमें एक शेष भी बचाना है, तो आंसर आ गया 1009, क्योंकि 1008 तो कट जाती है ना सर, 1008 कट रही है। अब ये कहोगे जी कैसे पता? या तो बारह से काट कर देख लीजिए, 12 अट्ठे 96, 4 बचा 1248, कट जाएगा सर। यार नहीं काट रहे तो 12 का मतलब 3 × 4, यानी 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब अगर हम 1008 को काटे तो ये 3 से कट रही है, 8 × 9, और लास्ट के 08 जो 4 से कट रही है, तो इसलिए 12 से भी कटेगी। वो आपको देखना कैसे करना है, बड़े आराम से हो रहा सर देख के ये सवाल। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया सर, ये कह रहा है 3.2 × 3.2 × 3.2 प्लस 2.7 × 2.7 प्लस 3.2 × 2.7, और फिर नीचे भी ये दे रखकर अब पूछ रहा है इसमें क्या है सर। अब ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सवाल है मेरी नज़र में। तो देखिए ये है ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, नीचे है ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो नीचे बचेगा 1/a − b, और ऊपर क्या बचा? क्योंकि क्यूब नीचे है तो इसलिए नीचे बचना, याद रखना। 3.2 में से 2.7 घटाया तो क्या बचा? 0.5 बचा। 0.5 का मतलब कितना हो गया? 0.5 को हटाएंगे तो 10 हो गया, आंसर आ गया 2, दैट्स ऑल। ठीक है, ओके सर, सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, हर कोई टीचर ऐसे ही बताता है सर कि क्यूब नीचे बच रहे तो नीचे बचेगा, ऊपर है तो ऊपर बचेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a माइनस b बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a प्लस b बचेगा। ये तो सिंपल सी चीज है, उसमें कोई उसने नहीं किया है सर। ये कह रहा है यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान कितना है? ठीक है, तो देखिए b कितनी है सर, b है 150 से 20% अधिक। मैंने परसेंट वाले चैप्टर में बताया था, ऐसे ही कर लीजिए डायरेक्ट, या तो ये कर सकते हैं या ये कह सकते हैं 150 से 20% अधिक, 20% मतलब पांचवा भाग, पांचवा भाग मतलब 30 अधिक है, 180 आ गया, इसको भी करेंगे तो बी आ गया सर। ये बी है, और एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, ये बी है, तो ए कितना है? जितनी बी है उससे 30% कम, 70/100, डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा। एक तरीका तो ये है सर आपका, ठीक है, इससे कर सकते हो आप चाहे तो। नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखते हैं सर, ऐसे दिक्कत आ रही है तो देखिए, बी 150 से 20% अधिक है, 150 और 150 का 20% 30, 30 और 150 जोड़े तो 180, क्या हो गया भैया बी, और ए कितना है? ए है बी से 30% कम, इसका 30% कम कितना हो गया? 54, ठीक है, 18 हो गया 10%, और इसका 3 × 54, ठीक है, इसमें से 54 घटाइए, 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया बोलिए, आंसर आ गया 126। ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है, तो ऐसे करिए या वैसे जो अभी मैंने बताया फॉर्मूले से डायरेक्ट भी करिए, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है सर, सारा कुछ यही होता है सर, हर टीचर दोनों ही तरीके बताता है, इसमें कोई टीचर लापरवाही कर रहा है तो वो गड़बड़ कर रहा है, वरना की जरूरत नहीं है। ए बराबर 5/4 बी, बी बराबर 2/10 सी, तो ए बी सी का मान बताओ। ए बराबर है 5/4 × b है तो b को बटे में ले आए, ठीक है, और b बराबर 2/10 × c है, c को बटे में ले आओ, ठीक है। यहां पर b की वैल्यू 4 है, यहां पर b की वैल्यू 2 है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं तो यहां भी 4 हो गया, तो a 5 b 4 और c 20, 5 × 4 = 20 आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया सर। ओके, देखिए मैं समझाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताने के उद्देश्य से कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, इनको तो हर कोई जानता है। ओके, लेकिन शर्त वही है कि अगर आपने 2 सेकंड बचाने के चक्कर में एक सवाल गलत कर दिया तो आप कहाँ जाएंगे ये समझ सकते हो। अभी और बढ़ रहे हैं सर, पहले देखते हैं सर, 11 खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है,
पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष, शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो प्रशिक्षक की आयु कितने वर्ष है? तो देखिए बहुत सारे उसको रटवा देते हैं कि भैया 11 खिलाड़ियों की औसत आयु और उनके प्रशिक्षक की 33 है, अगर प्रशिक्षक को हटा दे तो भैया अब 31 रह जाती है। लेकिन यहां पर 3 स्टेप में करा रहा सर, तो आ जाते हैं सर। तो हमारा फॉर्मूला एन एवरेज टोटल, भाई देखिए ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं हम। और यही एकमात्र ऐसा सवाल है जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी है अभी तक हमें। सवाल नंबर 8 आ चुका है, अभी तक किसी में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। ओके आ जाते हैं सर। एन है 11, एवरेज 33, 363, ठीक है। ओके सर, 363 टोटल आ गया है, 33 वर्ष है, 11 और 12 लेंगे अभी, 11 खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक की आयु 33 वर्ष है। तो एक काम कर लेते हैं सर, 12 तिया 36 और 3 396 आ गए, ठीक है। उनमें से पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष और शेष 6 खिलाड़ियों की आयु 30 वर्ष, ठीक है। तो अब देखिए 5 खिलाड़ियों की 29 है, अब 29 का मतलब कितना होता है, 145, 180, तो ये 11 खिलाड़ियों की टोटल है, समझ में आ गया। और बाकी जो बची वो किसकी बचेगी, प्रशिक्षक की बचेगी। अब इसको जोड़ें तो ये 5 2, ठीक है, 325, 396 में 325 घटाया 71। इसको अगर आप थोड़ा सा यहां पर ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो चांस है कि आप गलत कर ही दोगे, ठीक है। एक या दो सवाल ऐसे आएंगे जिनमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक या दो सवाल आते हैं और कुछ नहीं आता सर। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। 8,000 रुपये 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज में कितने रुपए का अंतर है? सिंपल फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100, और दर बटे 100 की पावर 2 करनी है सर। 2 वर्ष के जब चक्रवृद्धि और साधन ब्याज का अंतर होता है और अंतर पूछ रहा है, तो क्या हुआ, 8,000 गुणा 2.5 बटे 100 की पावर 2, यही करेंगे ना सर। ओके, दशमलव हटाने के लिए 0 लगाएंगे यहाँ से 25 से 40 बार, ठीक है। तो ये आ गया 8,000 गुणा 1/40 गुणा 1/40, 1 2 4 से 20 बार और 4 से 5 बार आंसर। सिंपल फॉर्मूला करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी है, इसमें तो बहुत ही कम कैलकुलेशन, ठीक है, काट पीट तो करना ही पड़ेगा ना सर इतना। ओके आगे चलते हैं सर। अब देखिए लाभ हानि, जिससे बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, 40 कुर्सियां 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची जानी है? ऑप्शन 25, 30, 15 या 20। 10,000 रुपये में 40 कुर्सी खरीदी है, 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सी बेचेंगे? सर देखना, पहले 40 कुर्सी खरीदी है, अगर वो 20 बेचेगा तो डबल का फायदा होगा ना, समझ में आ गया ना, आधा कर दिया, 15 भी नहीं हो सकता तो 25 या 30 बच रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कहेंगे जी ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आ जाइए, 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी है तो क्रय मूल्य कितना है सर? 1 का 10,000/40 250 रुपये, 10,000/40 250 में खरीदी है एक कुर्सी, 60% लाभ पर बेचनी है, 250 × 160/100 यानी 400 रुपये में बेचनी है, तो 400 रुपये में एक कुर्सी बेचनी है। तो पूछ रहा 10,000 में कितनी गई, तो 10,000 में कितनी जाएंगी, सॉरी 10,000/400, इसको सही कर लेना, 1 2 25 कुर्सी आंसर आ गया, ठीक है। 60% लाभ के लिए 25 कुर्सी बेचनी पड़ेगी। अब ये कहेंगे जी जो आप पहले बता रहे थे उसको भी थोड़ा क्लियर करिए, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, 40 कुर्सियां 10,000 में खरीदी, अब अगर हम 10,000 रुपये लें और आधा सामान दे दें उसको तो हमें 100% लाभ होगा, समझ में आ गया ना भाई। इसका मतलब अगर हम 10,000 में 20 दे रहे हैं तो 20,000 में हम 40 देंगे, तो इसका मतलब तो डबल कर दिया, डबल का मतलब 100% लाभ, तो 20 देंगे तो 100% लाभ और 15 बेचेंगे तो 100 से भी ज्यादा लाभ हो गया। लेकिन 60 कह रहा तो ये तो दो हो ही नहीं सकती, तो बाकी यही तो बच रहा था सर, ठीक है, तो दो में ही चेक करना था सर। ओके आगे बढ़ते हैं। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है,
यदि 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? आ जाते हैं सर, क्रय मूल्य था के रुपये, कितना लिखा उसने 30% अधिक, 130/100, जितना बढ़ाकर लिखा 30% बढ़ाया 130/100, 20% का डिस्काउंट दिया 80/100, और फिर बेची कितने में? 780 में, एक ही लाइन में हो गया। इतना लिखा हुआ था 30% बढ़ाकर लिखा, 20% का डिस्काउंट दिया, आपने लाभ हानि वाले चैप्टर में इसको समझ लिया होगा, और प्रतिशतता के भी चैप्टर में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था आपको। अब इसको करना है सर, हमें दो जीरो से दो जीरो निकल गई सर, ठीक है ओके। के बराबर कितना आ गया? 780 गुणा 100, ये 100 उधर ले गए, और 13 गुणा 8, 13 से 60 बार कट गया, 4 से 2 बार, ये 15 बार, 2 से 50 बार, कितना भैया? 750, ओके 15 गुणा 50 750 आ गया। कैलकुलेशन देखिए, एक लाइन कैलकुलेशन से भी बचेंगे तो भैया रिस्क है। अब रिस्क कितना ले सकते हो आपको देखना है, क्योंकि ये छोटा सा रिस्क पूरी जिंदगी खराब कर सकता है सर, याद रखना ओके। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके अंदर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? सर वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, अभी मैं बिना इसके कर रहा हूं, करके बता रहा हूं आपको, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 का वर्ग, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है किसका पूछ रहा है? वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और मत देखो आप, बस ये देखिए पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, ये 7 ऊपर पहुंचना है, 7/22 आ जाएगा, गुणा 1 का वर्ग/r का वर्ग, बस हमें ये थोड़ा सोचना है, अभी करना नहीं है, मैं करा नहीं रहा हूँ सर, 7 और 22, अब 22 की जगह 11 हो सकता है, 44 हो सकता है, 33 हो सकता है, 7, 7 और 22 का प्रयोग कहाँ पर हुआ है सर? सिर्फ ये ऐसी संख्या है जिसमें 7 ऊपर और 22 नीचे आ रहा है, 22 का मतलब 11 आ रहा है, तो 14 11 इसमें आ रहा है, और कहीं 11 आ रहा है लेकिन 14 या 7 का प्रयोग नहीं है, यहाँ 22 है लेकिन 14 या 7 का नहीं है, तो आंसर यही आएगा पक्का, समझ में आ गया? कुछ करने की जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन, क्योंकि जो पाई को समझ रहे हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आएगा, पाई में 11 भी आना है 7 भी आना है, तो 11 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जो अनुपात में नहीं कट पाएंगी सर, दोनों ये बात जो हैं, तो 11 7 दोनों बचने हैं सर, सिर्फ ये एकमात्र संख्या जिसमें 11 और 7 दोनों बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए सर इसको मैं करके दिखा देता हूं, देखिए ये कह रहा है एक वर्ग है, कोई भी ले लेते हैं, एक वर्ग है, आप चाहें तो अगर दिक्कत है तो संख्या मान सकते हैं, इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। अब मान लिया वर्ग की भुजा है 10, तो वृत्त की पर जो व्यास है वो 10 हो गया सर, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुणा 10/ वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई यानी 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भैया? 5, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 7 को हम क्या करेंगे? ऊपर पहुंचा देंगे, 5 से 2 बार कटा, 5 से 2 बार कटा, 2 से 11 बार कटा, ऊपर बचा 14/11, आंसर यही आ गया, कोई भी संख्या मान लेंगे यही आएगा, ए और आर मानेंगे तो भी यही आएगा सर, ओके। आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये भी वही एक सवाल था जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन चीख चीख कर बता रहा था कि इसका आंसर मैं हूँ, लेकिन अगर आपने समझ रखा है तो ठीक है, टाइम ऐसी जगह बचता है, बचाना चाहे तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस में तो बचाने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत है सर, फालतू बचेगा। आइए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय करता है, तो उसकी औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? अब आपने 2xy/x+y पढ़ रखा है, 2 समान दूरियों पर अलग अलग चाल से चले, या 3 दूरी होगी, 4 दूरी होगी, 5 दूरी होगी, कहाँ तक जुगाड़ याद करेंगे सर? समान दूरी की बजाय समान चार समय हो गया सर, कहाँ तक चीज़ें सोचेंगे आप? सिंपल सोचिए सर, सिंपल देखिए सर, पहली बात कि जो औसत चाल 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो जो औसत चाल आती है जब आप 20 और 30 करते हैं तो 24 आती है, 25 नहीं आती, ये जानते हैं ना, तो बीच से थोड़ा सा कम आती है, तो बीच से थोड़ा सा कम आनी चाहिए, 19.2 आनी चाहिए, क्योंकि 14 बहुत दूर है, 16 बहुत दूर है, ये दो बच रहे हैं, 19.2 आने चाहिए, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, समझा तो रहा ही नहीं हूं मैं सर। आइए, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर के 4 समान दूरी 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यहां कह रहा 3 किलोमीटर की 4 समान दूरी है, अगर हम इस 3 किलोमीटर को ना लें तो कितना अच्छा है, क्योंकि औसत चाल समान दूरी पर चाहे वो दूरी कितनी भी है,
औसत चाल का फॉर्मूला सेम रहता है। 3 किलोमीटर पर भी कम कर सकते हो आप, लेकिन अभी हम ऐसी दूरी लेते हैं जो 40, 30, 20 और 10 सभी से कट जाए 120। तो पहली दूरी है 120, दूसरी 120, तीसरी 120, चौथी भी 120। ये दूरी है सर, याद रखना। 4 समान दूरी 120 मान लीजिए, आप कोई भी दूरी मानेंगे फॉर्मूला फेल नहीं होगा सर, ठीक है। और चाल कितनी है सर? चाल है पहली में 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, अगर चाहें तो। समय लगा 12 घंटे, कितना लगा? 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ओके। कुल समय कितना? 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, ओके सर। 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25, 25 घंटे लगे। 12, 2, 24, 32, 48, 480 किलोमीटर जाने में 25 घंटे, 480 किलोमीटर गया, 25 घंटे लगे भाई। तो औसत चाल कितनी होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, ओके। कुल दूरी बटे कुल समय 25 से 480 को भाग दीजिए, हो जाएगा 20 से कम आ गया, क्योंकि अगर 500 होता तो 20 आ जाता सर, 400 होता तो 16 आ जाता, तो 16.8 400 से तो बहुत ज़्यादा है सर, ये 480 है, 500 के पास है तो 19.2 आ रहा है। नहीं कर पा रहे पूरा देख सकते हैं सर आप, एक काम करते हैं, 4 के ऊपर 4 के नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया 1920/100, 19.20। कैसे भी काट सकते हो वो आपको देखना है, ठीक है। 3 किलोमीटर मानेंगे तो भी यही आंसर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर करेगी सर, ओके। ये चीज़ें एग्जाम उसमें चैप्टर के दौरान पढ़ाई जाती हैं सर, पढ़ाई भी है मैंने, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं सर। पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ शुरू किया, कुछ महीने बाद क्यू 60,000 रुपये लगाकर उसके साथ जुड़ गया और वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो क्यू तो व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ था? आ जाते हैं पी और क्यू। पी ने लगाए 80,000, क्यू ने लगाया 60,000। अब देखिए 80 और 60 ही लिख देते हैं, 1,000 तो है ही है पूरा, क्योंकि हमें तो जो जीरो होती है बराबर कट जाती है सर, वो साझे में बताया गया जाएगा। 80,000 और 60,000 है तो 80 या 60 लिख लिया, ठीक है। फिर भी एक जीरो से एक जीरो काट लो, ये 3 ये 4, 4:3 का अनुपात है। लेकिन पी ने व्यापार किया शुरू और क्यू कुछ दिन बाद आया शामिल, तो इसका पैसा लगा 12 महीने और इसका पता नहीं कितने दिन लगा है, ये नहीं पता सर, ठीक है। क्यू कुछ 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया कुछ महीने पश्चात, ठीक है। वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया, यानी इसके 2 हिस्से बनेंगे, इसका 1 हिस्सा बनेगा, तो इसके बन रहे 48, तो इसके कितने बनने चाहिए? इसके 24 बनने चाहिए, क्योंकि इसके 48 इसके 24 है, तभी तो 2:1 का अनुपात आएगा। पी और क्यू में 2:1 का अनुपात आया, तो यानी कि पी को डबल मिलेगा, क्यू का हाफ रहेगा, तो क्यू इसका 48 है तो इसका 1 रहेगा, 24 रहेगा, 2 हिस्से 48, 1 हिस्सा 24, ठीक है। इसको 24 करने के लिए टी कितना? 8 महीने, 8 की गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अब सवाल को ध्यान से सुनना, क्यों व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, यानी क्यों का पैसा 8 महीने के लिए लगा है, 8 महीने के लिए लगा है तो कितने दिन बाद शामिल हुआ? 4 महीने बाद शामिल हुआ, समझ में आ गया सर। वो 8 महीने के लिए लगा तो 4 महीने बाद वो शामिल हुआ है, ये भी क्लियर। लास्ट सवाल और देखते हैं सर। F और M मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, F अकेला उसे 12 दिन में, दोनों मिले तो 8 दिन में, अकेला ये 12 दिन में करता तो M उसे अकेला कितने में करेगा? सर सवाल देखिए कितना, एग्जामिनर कितना सीधा है, उसने 8 दिन लगाया, एक बात बताइए F और M दोनों मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं तो अकेला M 8 दिन में नहीं कर सकता सर, ज़्यादा टाइम लगेगा। दो व्यक्ति मिलकर 8 में कर रहे हैं तो अकेला तो ज़्यादा में करेगा ये नहीं होगा, और 6 भी नहीं होगा, या तो 24 है, प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, या तो 12 होगा या 24 होगा। अब सपोज कीजिए ये भी 12 में कर रहा है, ये भी 12 में, तो दोनों मिलकर तो 6 दिन में कर लेंगे, तो इसका मतलब 24 में हो गया। अगर कुछ भी नहीं जानते तो, जानते तो आ जाइए। F और M कितने दिन में भैया? 8 दिन में। अकेला F कितने दिन में? 12 दिन में। अब कुल काम कितना मान लेते हैं? 24 मान लिया, कुल काम 24 है, तो ये 3 काम करता है, ये 2 काम करते हैं। अगर ये दोनों मिले तो 3 काम रोजाना, ये अकेला 2 काम रोजाना, तो इसका मतलब M अकेला कितना कर रहा? 1 काम। जब 1 काम रोजाना कर रहा है तो 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे M को? 24 दिन आंसर है भैया, 24 दिन, ठीक है सर, ओके सर। देखिए सर, आपको मैंने 15 सवाल दिखाए, स्पीड थोड़ी बढ़ाकर रखी, क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है,
लेकिन मेरा इनको दिखाने का मकसद ये था कि आपकी आंखों से चश्मे को, पर्दे को हटाया जा सके। आपको समझ में आ गया किस लेवल के सवाल हैं? केवल यही नहीं सर, 2017 है, उससे पहले के किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए, यही चीज अप्लाई की गई है, इसी लेवल के सवाल आ रहे हैं सर। ठीक है, इस बार भी इनसे लेवल बढ़े, अच्छी बात है, अगर लेवल बढ़ रहा बढ़ने दो, लेकिन सर आप ये तो देखिए कि आप पुराने किसी भी पेपर को उठा लीजिए कि कैसे सवाल हैं जो आप 15 सवालों को 12-13 मिनट में आराम से कर लोगे, 10 मिनट 12 मिनट में आराम से कर लोगे, अगर सारे के सारे कैलकुलेशन वाले आ गए तो भी। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिनमें कुछ करना ही नहीं है सर। और अगर आपने याद रखना, अब ये 15 सवाल है तो मैं चाहता हूं कि आपके 15 हों, लेकिन अगर आपकी गलती से 13 रह गए तो 2 नंबर की भरपाई कहां करोगे? सोचिए भाई, 2 नंबर का तो नुकसान होगा ना। और ये किसकी गलती से होगा? ये आपकी लापरवाही से होगा, ऐसी चीज के पीछे होगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। आज हमारा जो हम रणनीति बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जो है सवालों को समझिए, मैथ को समझिए, इस तरह से समझिए कि एक भी सवाल छूटने ना पाए। हमारा मेन मकसद ये है। आप जल्दबाजी के चक्कर में, आप 2-4 सेकंड बचाने के चक्कर में 1-2 सवाल दे बैठोगे सर मैथ के, 2-3 सवाल 4 सवाल दे दोगे आप जीके के, 3 सवाल गलत कर दोगे रीजनिंग में, अगर टोटल में 5 सवाल गलत कर दिए तो कंपटीशन में ठहर जाओगे क्या? नहीं ठहर पाओगे सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर कि कितने नंबर लाने वो सब बाद में बताऊँगा मैं। मैंने कहा कि इस पर कम से कम 2 वीडियो और बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या कंप्यूटर में होना, क्या रीजनिंग में होना, क्या जीके में होना है। आज का हमारा टॉपिक था मैथ, मैथ के सवालों को लाया इसलिए मैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, यही सवाल है, लैंग्वेज भी वही है, ऑप्शन भी मैंने वही रखे। ठीक है, मजबूत कीजिए अपने आप को, बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम से पढ़ रहे हैं, सिस्टम से पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है, और अगर बगैर सिस्टम के पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता कब क्या पढ़ रहे हैं, तो गड़बड़ है। दूसरी चीज सर, इसके बाद हम जो आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आपको जीके वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में, और स्पेशल करंट जीके में कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब हम एक और वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद एक और वीडियो बताएंगे जिसमें हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बताएंगे, आपको सभी चीज़ों के बारे में आपको बताकर चलेंगे, क्योंकि एक वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे हम इसको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ मैथ बताया है, थोड़ा सा सोचिए हमने क्या, हमारा मैसेज क्या है, ये आप तक पहुँचा नहीं पहुँचा, नहीं पहुँचा तो दूसरी वीडियो जो बनाएंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा सर। ठीक है, मकसद यही था कि आपके जो टाइम का भूत है दिमाग में वो उतर जाए, टाइम आपके लिए पर्याप्त है, बहुत टाइम है सर। अब रीजनिंग का पेपर उठाकर भी चेक कर सकते हो, जीके भी उठा सकते हो, और कंप्यूटर भी उठा सकते हो, टाइम बहुत है, कोई कमी नहीं है, बस टाइम का नहीं है ये पेपर, किसका है? एक्यूरेसी का है, तो एक्यूरेसी के साथ लापरवाही मत करना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना, कॉन्फिडेंस उत्पन्न हुआ नहीं हुआ ये भी जरूर बताना सर, सही रास्ते पर आ रहे हो ये भी जरूर बताना सर। अगर आपका कमेंट्स आते हैं तो हो सकता है कि अगली वीडियो ज़्यादा लंबी बनाई जाए, मुझे लगेगा कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को लगेगा कि शायद ये वीडियो तो हमारा टाइम ख़राब कर गई, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको टाइम लग रहा कि भैया ये टाइम पास है वीडियो, तो मैं आगे से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा सर। आपका कमेंट, ज़्यादा बच्चों का क्या कमेंट आएगा यही डिपेंड करेगा सर। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ, अगली वीडियो जो आएगी वो जीके की आएगी, टेंशन मत लीजिए, मैं पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ बीच में ब्रेक के लिए, अगली वीडियो जीके की आएगी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।